after this, right? So now I'm going to share this screen for molecular basis of inheritance. And are you able to see the questions here on the screen? Anji, okay. So these are the questions only, these are chapter wise. Okay, I told you this is a PDF, that is a big PDF. Nearly 90 pages, hai na? So 90 mein approximate 45 to 50 pages are only of term 1. Kyunki isme term 2 bhi hai. तो ये आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सको. ऑलरेडी यू आर हैविंग योर नंबर ऑफ सैम्पल पेपर बुकलेट्स यू आर हैविंग, बट आफ्टर सॉल्विंग दोस इफ यू स्टिल रिक्वायर सम डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस देन यू कैन हैव इट फ्रॉम द इंटरनेट, और इफ यू डोंट हैव एनी टाइम टू सर्च इट फ्रॉम द इंटरनेट देन द थिंग्स विच आई एम सेंडिंग जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस. ओके, right? So this is the question number one, that is in a DNA strand the nucleotides are linked together by glycosidic bond, phosphodiester bond, peptide bond, hydrogen bond. Tell me. Okay, Tushar has sent the answer. Others also please be quick to give the answer so that we can cover more and more questions. Yes, Yashika, raise your hands or unmute yourself and tell me the answer. Yes, Yashika, unmute yourself. हाँ जी यशिका, अनम्यूट करिए अपने आप को और आंसर दे दीजिए. व्हाट आर द टाइप ऑफ द लिंकेजेस बॉन्ड्स? यस मयंक मैम, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, वेरी नाइस यशिका, दिस इज व्हाई यू आर नॉट अटेंडिंग योर क्लासेस आल्सो, है ना? वेरी गुड. हाँ जी मयंक, इज इट ओके, इज शी राइट? Phosphodiester bonds. Phosphodiester bonds. DNA strand nucleotides are linked with the phosphodiester bonds. Okay, the next question is the size of the DNA of bacteriophage lambda is. This is given in your NCERT DNA, जहाँ पे genetic material का introduction है, उसमें दिया हुआ है. What is the size of the DNA in bacteriophage lambda? Anyone? Yes, Tushar has given the answer. Others? Mayank, Jitesh, Aditya. Yes, Aditya, try to give the answer. Have you read the introduction? Yes, Yashika. 48502. Yes, it is 48502. Base pairs answer is B. Very good. बच्चे प्लीज, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना, टाइम एंड अगेन आई हैव बीन सेइंग एंड मैं अभी भी कह रही हूँ, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है. ठीक है, आप लोगों का बोर्ड पेपर जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, जस्ट बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज इफ यू पीपल आर नॉट रीडिंग योर एनसीईआरटी. अगर आप एनसीईआरटी नहीं रीड कर रहे हैं देन आपका पेपर जो है वो मुश्किल लगेगा. नाउ फॉर दीज अ फ्यू डेज दैट विच आर देयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, काइंडली ओपन आउट योर एनसीईआरटी बुक्स एंड डू स्टार्ट रीडिंग देम. ओके, अपनी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना शुरू कर दो. अभी भी अगर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, ठीक है. नेक्स्ट इज थर्ड, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड्स, यस. न्यूक्लियोटाइड्स इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट? शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेसिस. न्यूक्लियोसाइड, है ना? न्यूक्लियोसाइड का है ये. न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है? शुगर एंड नाइट्रोजन, फॉस्फेट नहीं होता. न्यूक्लियोटाइड जो है उनमें तीन चीजें हैं, ठीक है. न्यूक्लियोटाइड शुगर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है. तो न्यूक्लियोसाइड्स उसके अंदर है, शुगर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट नहीं होता न्यूक्लियोसाइड के अंदर. और जब भी वो भी टूट जाएंगे तो शुगर, नाइट्रोजन इंडिविजुअल, ठीक है. नाइट्रोजनस बेस, नॉट नाइट्रोजन. सो दिस इज द न्यूक्लिक एसिड, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स विच आर हैविंग द थ्री थिंग्स, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड द फॉस्फोरस. फोर्थ, द कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड आर, अभी बताए मैंने, व्हाट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड? Yes, right. Hanji, you can also send me, others also B. Please send me. Hanji, Hitesh? A option. B, A nahi hai, B hai. A kisne bola beech mein? I heard A also. That is wrong. Nucleotide hai. Nucleoside hai. Tide nahi hai. न्यूक्लियोसाइड अभी मैंने बोला है, न्यूक्लियोसाइड में शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है, फॉस्फेट नहीं होता. मैं फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ रहा था. ओके ओके ओके.
Fourth is the component of nucleoside are pentose sugar and nitrogen base. Nucleotide contains what? हाँ जी मैम, मैं फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ लिया था इसका है। This is pentose sugar, nitrogenous base and phosphate group. Very good. जैसे तुषार भेजे ना आंसर्स की फॉर्म में, वैसे आप भी भेज सकते हैं प्लीज सारे लोग। That is there in the you can say I think वो पोर्शन जहाँ पे आप लोग वो करते हो ना, सेंड हैंड रेज वगैरह करते हो, थम्स अप एंड डाउन करते हो, वहां पे आपको एबीसीडी या 1, 2, 3, 4 ऑप्शन मिल सकती है। यू कैन प्लीज सी, इट बिकम्स इजी टू लोकेट द आंसर फ्रॉम योर साइड। ओके नेक्स्ट इज सिक्स्थ, एडिनाइन पेयर्स विद थायमिन, विद एडिनाइन थायमिन के साथ कैसे पेयर करता है? बी बी टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इज इट 4 hydrogen or 2 hydrogen or 3 hydrogen bonds? 2 hydrogen bond. 2 होती है। A T में 2 hydrogen bond होती है, G C में 3 hydrogen bond होती है, 4 और 1 तो किसी में भी नहीं होती। ठीक है, समझ आया? A T is with 2 hydrogen bonds, G C is with 3 hydrogen bonds. Okay, right? Okay. Next is cytosine pairs with guanine. 3 hydrogen bonds. 3 hydrogen bonds. 8th, nitrogenous bases present in DNA are. What are the nitrogenous bases present in DNA? Adenine, guanine, cytosine, thymine. B option. B option. 8th is B option. 9th, which statement about polynucleotide chain is not true? Read the statements and tell me which is not true. A nucleoside has 3 components. Adenine and guanine are purines. And G? B option is galat. A option. A galat hai. That is not true about the polynucleotide, because nucleoside is not having the 3 components. It is having the 2 components, right? Which of the following is not true or DNA double helix structure? For DNA double helix structure aana tha. Hanji, 10th mein batao. C, M. टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ लेफ्ट हैंडेड फैशन, तो किस हैंडेड फैशन में होती हैं? राइट हैंडेड। राइट हैंडेड, यस, दे आर इन द राइट हैंडेड, सो सी इज एन आंसर, वेरी नाइस। नेक्स्ट, व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए? व्हेन एंड हु? ई ऑप्शन। कौन सा? वॉटसन एंड क्रिक। वैटसन एंड क्रिक तो है, कौन सा? वैटसन एंड क्रिक, बट इन ईयर व्हाट? 1953 मैम। 1953, यस। वैटसन एंड क्रिक इन ईयर 1953। वैटसन एंड क्रिक बस एक ही जगह पे दिए हुए हैं क्या? बी आंसर मैम। बी आंसर है। फ्रैंकलिन और विल्किंस नहीं है, वैटसन रोजलिन नहीं है, फ्रैंकलिन नहीं है, वैटसन फ्रैंकलिन नहीं है। So Watson and Crick, 1953, very right. Next is 12th. Central dogma states that genetic information flows from? A option. A, DNA to RNA, RNA to proteins. Okay. Central dogma. Find the correct statement from below. In prokaryotes, DNA being positively charged is held by some negatively charged proteins to form nucleoid. Nam C aayega iska. C hai. Why C? Mam tabhi to stones pe apna positive charge hota hai, like C nor arginine ki wajah se. Kyunki A option mein likha hai ki DNA positively charge held hote negatively charged proteins. DNA ki charge kya hai? DNA के negatively होता है, yes. और eukaryotes में भी मैम histones जो होते हैं positively charged होते हैं, positively charged होते हैं, very right. charges उल्टे लिखे हैं A और B में, और D वाले में क्या गलत है? 8 molecules होते हैं. histones DNA के साथ थोड़ा जुड़ता है, H1 के साथ ही होता है. हाँ हाँ, no no, this is 6 molecules लिखा है ना, 8 होने चाहिए. 6, हाँ. ऑक्टामर होता है, 6 molecule ऑफ स्टोन नहीं होता डीएनए के साथ, इट इज द ऑक्टामर। 8 molecules ऑफ स्टोन में डीएनए फॉर्म्स अ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सो बचा हमारे पास सी, दैट इज ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज ऑल 3 others आर रॉन्ग। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन रेसिड्यूज। द साइज ऑफ द न्यूक्लियोसोम इज
It's again from your NCERT text. 200 base pairs. ये हमने discuss भी किया था पहले. Which of the following statement is not correct? A. DNA is positively charged. Histone proteins are positively charged. Histone proteins are rich in lysine and arginine. Euchromatin is transcriptionally active. A answer. DNA is negatively charged है. Histone positively charged है. Histone proteins rich भी हैं. Euchromatin transcriptionally active भी है. A is only. DNA is negatively charged. Okay. Next, identify the incorrect statement regarding transforming principle. It was done by Frederick Griffith and option. Hanji. Streptococcus pneumoniae. S strain is not virulent. S strain is non-virulent. Yes. S strain ke saath hi to kill hua tha, hai na? So it is incorrect statement regarding the transforming principle. So it is wrong. Very good. Experimental organism is mice, used streptococcus bacteria. Years आपको याद करने पड़ेंगे. मैंने पहले बताया था बच्चे NCERT में जितने जितने साइंटिस्ट लोगों के नाम है और जितने years हैं वो तो अच्छे से याद कर लो सारे. उनमें से question पक्के आने हैं. एक या दो question आपको scientists और उनकी dates पे पक्के आएंगे. ठीक है. Next is 17th. Biochemical characterization of transforming principle is done by Frederick Griffith. B option. No, मैम A है. बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन बच्चे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था लेकिन उसका बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन जो किया था यानी कि जो उसमें मटेरियल कौन सा है उसके अंदर स्ट्रेन के अंदर जो कि हमें वो किलिंग करता है ऐसा प्रोवाइड करता है तो दैट वाज एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्थी का ये काम था है ना. एंड इवन जहां एक्सपेरिमेंटल ग्रिफिथ का खत्म होता है ना एनसीईआरटी में उसके बाद एक पैराग्राफ दिया है एवरी मैक्लॉयड मैकार्थी के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में उसके ऊपर हेडिंग ही लिखा हुआ है बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो ये हेडिंग लिखा हुआ है वहां पे तो ये अच्छे से देखा करो. ठीक है. एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चन पेपर सेट करना है ना वो बच्चे आपका पेपर जो है वो कहीं से भी आता है. मैंने पहले भी बोला हुआ है ईच एंड एवरी वर्ड इंक्लूडिंग द हेडिंग्स इंक्लूडिंग द डायग्राम्स डायग्राम की लेबलिंग हर चीज डायग्राम के नीचे क्या लिखा वो हर चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है. आपने हर चीज को अच्छे से पढ़ना है. इफ यू आर नॉट रीडिंग इट एंड इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू देन मीन्स यू आर लैगिंग समथिंग समवेयर समथिंग यू विल बी मिसिंग. ओके. विदिशा आदित्य यू ऑल्सो प्लीज प्रोवाइड द आंसर्स अदर्स आर पार्टिसिपेटिंग यू ऑल्सो प्लीज प्रोवाइड द आंसर्स डोंट बी ओनली द साइलेंट लिसनर्स. हाँ जी. 18th क्वेश्चन. Identify the incorrect statement regarding Hershey and Chase's experiment. Okay. Experiment proves that DNA is a genetic material. They use bacteriophage protein labeled with P32 and DNA with S35. C. The bacteriophage is a virus. Hanji. C is incorrect. Protein labeling was done by? S35. And DNA was done by? E32. Phosphorus 32. ये यहां से याद रखना है आपने क्योंकि डीएनए का अपना कॉम्पोनेंट है फॉस्फरस फॉस्फेट ग्रुप है ना तो इसलिए उसके ऊपर रेडियो एक्टिव लेबलिंग फॉस्फरस की करवाई गई है. ठीक है. यहां से याद रहेगा आपको. नेक्स्ट इज अ जेनेटिक मटीरियल मस्ट फुलफिल सर्टन क्राइटेरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जस्ट अ क्राइटेरिया इट्स नॉट सच अ क्राइटेरिया. ओके. जेनेटिक मटीरियल मस्ट फुलफिल सर्टन क्राइटेरिया विच इज नॉट ऑफ दीज It should replicate, it yeah. should be, C is it should mutate fast required for evolution. हाँ, slow mutation होना चाहिए, faster नहीं. देखो, एक एक अक्षर में ही सिर्फ difference create कर दिया उन्होंने है ना statements में, which is correct, which is not correct. ये question तो जब भी बनना है ना, just किसी एक word के opposite content के साथ बन जाना है. ठीक है, and if you miss that word, अगर आपने miss कर दिया, then you will be missing again your point. है ना. तो बड़े ध्यान से पढ़ना है इसको और हर वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ना है. एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए स्पेशली करेक्ट नॉट करेक्ट ये तो बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए. ठीक है. इन डबल हेलिक्स हैं जी क्या नहीं समझ आया 19th ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल सर्टन क्राइटेरिया हमने किए थे ना. क्राइटेरियाज होते हैं कि वो रेप्लीकेट करना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए ऐसे वाले अपने मेंडेलियन करेक्टर्स में एक्सप्रेस कर सके तो ये करेक्टर्स हमने किए थे. उनमें चार ही करेक्टर लिखे आपकी एनसीईआरटी में
और चारों में एक उसने गलत कर दिया, दैट इज म्यूटेट स्लो लिखा था, यहाँ पे म्यूटेट फास्ट कर दिया, ठीक है। उसे बोला है कि दो क्राइटेरिया में से कौन सा यहाँ नहीं है, ठीक है, तो दिस इज म्यूटेट स्लो होने चाहिए, नॉट फास्ट। ओके, 20th, इन अ डीएनए हेलिक्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेसिस ऑन द सेम चेन इज 0.34 नैनोमीटर। मैम 3.4 एंगस्ट्रॉम में होता है। हाँ, 3.4 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम होता है। हाँ, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, राइट। मैम वो 0.34 हो जाएगा। 0.34 नैनोमीटर्स में होगा। ओके, राइट। सो दिस इज सी 0.34 नैनोमीटर्स। 3.4 इज एंगस्ट्रॉम। विड्थ होती है 20 एंगस्ट्रॉम्स। हाँ, और टोटल वन टर्न का होता है 34 एंगस्ट्रॉम, है ना, ठीक है। 0.34 नैनोमीटर्स, राइट। द टर्म यूज्ड बाय मेंडल फॉर इनहेरिटेंस मॉलिक्यूल्स, फैक्टर्स, यस। इन्होंने फैक्टर्स बोला था। अभी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में दीज आर कॉल्ड एज जीन्स, और डिफरेंट फॉर्म्स आ जाए तो दे आर द एलील्स। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन इनकरेक्ट क्या है इसमें? बी ऑप्शन। व्हाई बी मैम? क्योंकि पिरामिडीन्स में एडेनिन लिख दिया मैंने। पिरामिडीन्स कौन-कौन से होते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। यस, इट इज पिरामिडीन के लिए याद रखना। पिरामिडीन्स कट, कट मींस साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ठीक है। पिरामिडीन्स आर कट, राइट। तो प्यूरीन्स जो है वो एडेनिन गुआनिन ही है, और पिरामिडीन्स जो है वो कट है। एडेनाइन नहीं आना था, यूरेसिल आना था उसकी जगह पे। सो दैट इज रॉन्ग। इसका डी ऑप्शन कहाँ है? डी ऑप्शन नीचे आंसर ही ऊपर था, तो इसीलिए फिर मैंने दिखाया ही नहीं। अच्छा चलो, 23rd, आरएनए इज लेबाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी राइट एंड वेरी लेबाइल। लेबाइल का मतलब क्या होता है? लेबाइल मींस स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप एट द टू प्राइम एंड ऑफ कार्बन, टू प्राइम कार्बन एंड ऑफ द राइबो शुगर, है ना, आरएनए, है ना, तो डीऑक्सीराइबोस। लेबाइल का मतलब मैम अनस्टेबल नहीं होगा? अनस्टेबल, यस मैम, अनस्टेबल, अनस्टेबल। हां, आरएनए इज अनस्टेबल। आरएनए वैसे भी अनस्टेबल होता है, डीएनए स्टेबल होता है, ठीक है। तो अनस्टेबल दैट इज आरएनए बिकॉज ऑफ द राइबो शुगर। राइबो शुगर पे टू प्राइम एंड पे अब हाइड्रोजन होती है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है? बी आ जाएगा मैम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH, है ना, तो इसलिए बी आया है यहाँ पे, ठीक है। 24th, इसका क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आया था, है ना, दैट वाज रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट ओनली। 24th का क्या है, चलो बताओ। Which of the genetic material mutate at the faster rate? Okay, RNA, DNA, both. RNA. DNA structure is stable due to presence of thymine. Presence of uracil, presence of adenine, none of these. Acha, this is because it is comparing the RNA with DNA. DNA structurally stable due to, है ना, तो वो आरएनए डीएनए की स्टेबिलिटी के हिसाब से पूछा है। तो यहाँ पे अदरवाइज एडेनाइन भी तो प्रेजेंट ही होता है, बट स्टिल इट इज थायमिन व्हिच इज नॉट देयर इन द आरएनए, इट इज यूरेसिल इन इट, सो इट मेक्स इट मोर स्ट्रक्चरली स्टेबल डीएनए बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थायमिन। 26, द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल इज आरएनए। आरएनए, व्हाट इज एच एन आरएनए? हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। यस, हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, डी वाला। What will be the effect of this experiment on rat? ये experiment है, living S cells डाल रहे हैं। What will be the effect? Rat die. B. Rat dies. Living S cell डाला तो उससे ये die हो जाएगा, ठीक है। Rat coat becomes smooth, uninfected, ये गलत है सारे। So it dies, very nice. The promoter site and terminator site for the transcription are located at, ये तो paper में भी आया था। 5' upstream, yes, 3' downstream. With regard to the mature mRNA in eukaryotes, which of the following is true?
Yes, Tushar is giving the answer. Others also. B is answer. B answer. क्योंकि exons appear होते हैं mature mRNA में, लेकिन introns जो हैं वो splicing से निकाल चुके हैं already. ठीक है. Okay. Now the next is 31st. If the number of the base pairs in a double-stranded DNA is 200, the number of adenine is 60, then what will be the number of guanine? Double-stranded DNA, 200 base pairs, hai, adenine 60, hai, guanine kitna hoga? 40. It is because 60, 60, 120, adenine and thymine. ठीक है, adenine, thymine 60, 60 हो गए, क्योंकि equal होने चाहिए Chargaff rule के according. It is 120. और बच्चे कितने 80, 80 में से ग्वानिन भी है, साइटोसिन भी है, जीसी है ना, तो 80 को डिवाइड करेंगे 2 में तो दैट इज 40. ओके, नो नो मैम, है मैम, क्या no. क्यों 200 बेस पेयर है मैम, हां तो मतलब टोटल बेसेस 400 हुई. नहीं नहीं, ये बेसेस ही लेके चलता है. Base pairs, if the number of the base pairs, मतलब base, वो BP को ही मानते हैं, adenine is a base pair, it is a base, nitrogenous base है, वो pair ही है. अगर आप इसको 400 लेके चलोगे तो फिर ये कैसे आएगा आंसर बताओ. adenine 60 है तो thymine मतलब 60 हुए थे, यानी कि बाकी बचे फिर pairs तो हो गया फिर इसका 60 है ना, 400 में से गए 60 तो that is 340. 340 तो है नहीं है यहाँ पे आंसर में कहीं भी, जो बाकी बेस पेयर्स होंगे. और फिर अगर 340 का भी हाफ करते हो तो 150 का 320, 170, 170 भी नहीं है. इट इज गोइंग विद ओनली दैट कंसेप्ट जो पहले मैंने बताया, एडीनाइन 60, थायमिन 60, बाकी बचे 80, उसमें से 40 ग्वानिन, 40 साइटोसिन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट 32. Discontinuous synthesis of the DNA occurs on one strand because B option. Discontinuous B synthesis. B option. DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization only in the one direction. Yes, that is 5-3. Yes, very nice. Only because of this only there is a leading and the lagging strands. Okay. So yahan pe usne yehi bola, discontinuous synthesis kyun hota hai? Kyunki wahan pe पॉलीमराइजेशन जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, दैट इज 5-3. ओके, नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ आरएनए. ऑल ऑफ दीज यस, ऑल ऑफ दीज दैट इज अ करियर भी होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का डीएनए की तरफ है ना, फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम सिंथेसाइजिंग पॉलीपेप्टाइड्स, mRNA, tRNA, rRNA, ठीक है. It carries amino acid to the ribosomes also, that is through tRNA. It is constituent component of the ribosomes, that is rRNA. ठीक है, तो वो सबका रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक नहीं पूछा mRNA या tRNA या rRNA किसकी बात कर रहे हैं. इट इज इन जनरल दे आर आस्किंग फंक्शंस ऑफ RNA. ओके, 34. जहां नहीं समझ आएगा प्लीज पूछना. एंड विदिशा एंड आदित्य, यू आर स्टिल द साइलेंट लिसनर्स, काइंडली पार्टिसिपेट. RNA polymerase 2 is responsible for the transcription of HNRNA. RNA polymerase 2, HNRNA. Polymerase 1 किसकी होती है फिर? RRNA. So this is 2 for HNRNA, heterogeneous RNA. In eukaryote सेल ट्रांसक्रिप्शन आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए कैपिंग टेक्स प्लेस इन, क्या होती हैं ये सब चीजें? न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में, गॉल्जी बॉडी में. न्यूक्लियस में क्यों होंगी? आरएनए स्प्लाइसिंग, एमआरएनए सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में. ठीक है, राइबोसोम में तो आरएनए पहुंचेगा ना, तो वहां पे ये सारी चेंजेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती हैं. एज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज मेड देन इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एमआरएनए एंड फर्दर ऑल दिस इज इन साइटोप्लाज्म. चूज अ स्टॉप कोडोन अमंग द फॉलोइंग. यूए ट्रिपलेट यू कोड्स फॉर फिनाइलएलानिन. अजीन ऑफ ऑपेरॉन
which forms the repressor protein is? Regulator. Regulator forms the repressor protein. Right. जो ऑपरेटर को जाके रोक देता है. In the absence of lactose, the operator gene of lactoferrin is suppressed by the genetic material called regulator gene. रेगुलेटर जीन तो साइड में है ना, रिप्रेसर जिसको उसने प्रोड्यूस किया उससे रुकेगा ना, वो रिप्रेसर से रुकेगा. सप्रेस्ड बाय द जेनेटिक मटेरियल, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलेटर जीन, है ना, सो इट इज द रिप्रेसर. ओके. कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ बताओ. कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन. जीन एक्सप्रेशन ट्रांसलेशन में क्यों जाके रुकेगी, वहां तो अमीनो एसिड प्रोडक्शन हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन में नहीं रुकनी चाहिए. कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, जिसने इन्फॉर्मेशन आगे देनी है, मतलब आगे टीआरएनए को देगा, जो इन्फॉर्मेशन टीआरएनए में पहुंचगी वो तो आगे अमीनो एसिड बनाने को ही है ना, वो तो बनाएगी बनाएगी. So it is at the transcription level when it is the control of the gene expression can be made, or rather it is through the DNA only. The gene expression is going to locate from the DNA. So it is transcription. Okay, 41. In E. coli, the lactoferrin gets switched on when? A option. D option. D option. Lactose is present and it binds to the repressor. Lactose is present and it binds to the RNA polymerase. A option आएगा. जब वो रिप्रेसर को मिल जाता है जाके, ताकि वो उसको उठा के मास्क करके ले जाए, है ना, एंड देन द प्रमोटर स्टार्ट्स इट्स फंक्शनिंग, वहां से शुरू हो जाती है आरएनए पॉलीमरेज, स्टार्ट्स रोलिंग ऑन एंड आगे आगे फर्दर जाएगा, जीन एक्सप्रेशन दे देगा. सो इट इज स्विच्ड ऑन व्हेन द लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर. आंसर ए. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस? बी एक्सॉन्स. वेरी नाइस. तो हाँ बेटा देखो, अभी हमारा नियरली दिस इज द पीरियड ऑफ 30-35 मिनट्स है ना, सो इन जस्ट 30 मिनट्स वी हैव सॉर्टेड आउट नियरली 42 क्वेश्चंस, है ना, 42 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. सो दिस इज ओनली व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड विद द कॉन्सेप्ट्स, देन यू कैन गो थ्रू वेरी क्विकली. एंड इवन इन योर पेपर इट इज नॉट दैट यू आर ओनली गोइंग टू गेट ऑल द डिफिकल्ट एंड कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, इट विल बी सम परसेंटेज ऑफ द पेपर, दैट इज लेट्स से 20% ऑफ द पेपर which will be having the difficulty level to the topmost level. ठीक है, अब आपकी स्पीड देखो, छोटे क्वेश्चंस करने की कितनी तेज है, लेकिन उसमें मैं सिर्फ चाहूंगी कि आप अपनी स्पीड तो तेज रखें, लेकिन साथ में ईच एंड एवरी वर्ड अच्छे से पढ़ के फिर सॉर्ट आउट करो. ठीक है, सो मैं एक 31st क्वेश्चन दिखा दो मोर एंड मोर. अगर आपको 31 ये रहा, इफ यू आर हैविंग मोर एंड मोर नॉलेज एंड द रिविजन, अगर आपकी रिविजन ज्यादा हुई है ना, तो आप लोगों का पेपर बहुत जल्दी और अच्छे से कम्प्लीट होगा, विद द पर्टिकुलर लाइक टाइम लिमिट अच्छे से निकलेगा और अच्छे से तुम लोग सारे आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाओगे. सो इट इज ओनली रिक्वायर्ड इज ओनली वन थिंग, दैट इज योर रिवीजन. हाँ जी गितेश, हैव यू नोटेड दिस 31st क्वेश्चन? यस मैम. यस यस. सो थैंक यू सो मच. हाँ जी यशिका मैम, जब ये पीडीएफ खत्म हो जाएगी आप भेज देना ग्रुप में. हाँ जी हाँ जी, आई विल सेंड दिस पीडीएफ फॉर ऑल द 5 चैप्टर्स. देयर आर क्वेश्चंस, 50-50 क्वेश्चंस. Assertion reason बहुत सारे इसमें, case based questions हैं. हाँ जी. Attendance. Attendance मयंक आपको बोली मैंने लगाने के लिए, मयंक लिख लिए.